आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। जिला मुख्यालय बड़वानी के वन परिक्षेत्र गांव उमेदड़ा व थाना परिक्षेत्र पलसूद के अंतर्गत आने वाला ग्राम निवासी शांतिलाल, जो बड़वानी जिला चिकित्सालय में अपना उपचार करा रहा है, ने बताया कि वह हमेशा की तरह अपने खेत में साफ सफाई और खेत की रखवाली के लिए गया था। वहां पर मुझे जमीन पर रखे हुए नारियल आकार की फल जैसे दिखने वाली चीज मुझे मिली, जिसे मैंने फोड़ने की कोशिश की तो वह विस्फोट हुआ, इसके कारण मेरा हाथ घायल हो गया, जिससे मैं डर कर वहां से भाग गया। बाद में पुलिस को इस बात की सूचना देकर इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। देखिए घायल की वास्तव जुबानी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी इस संबंध में क्या बतलाएं। पेड़ से गिर रहे हैं फल और हो रहे हैं विस्फोट, कोरी अफवाह निकली। अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम असद खान, वन परिक्षेत्र अधिकारी बड़वानी। सर, आपके क्षेत्र में कोई जो एक वो पेड़ से कोई बम बम पर इस टाइप की अफवाहें चले, सर वास्तविकता अभी तक क्या है? सर वास्तविकता ये है कि जैसे हमको सूचना मिली कि पेड़ से कोई बम टपक रहे हैं फल के द्वारा, हम मौके पे पहुंचे और हमने जांच की तो कोई इस प्रकार का हमारे को कोई पेड़ नहीं मिला कि जिसमें से फल टपक रहे हों और वो बम के रूप में। ये जरूर है कि वहाँ पर चार जो मिले हैं वहाँ पर बम, वो बम को जो पुलिस के पास ले गए उसको फोड़ के देखा तो वो विस्फोट हो रहा है उसमें, उसको पानी में भिगा के देखा उसके ऊपर प्याज के छिलके लगे हुए थे और रस्सी बंधी हुई थी, उससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोई फल नहीं है, वो किसी के द्वारा बनाए गए विस्फोटक है, कोई फल नहीं है। पूरी अफवाह है ये कि कोई फल इस प्रकार का कोई जंगल में कोई फल नहीं था। सर आसपास कोई चेकिंग अभियान चलाओगे? सर आसपास सवेरे से चेकिंग अभियान चल रहा है, आज भी और कल भी किया, इस प्रकार का कोई पेड़ नहीं मिला जिसमें ऐसे फल लगे हुए। मतलब पूरी टोटल जब्ती में कितने हुए सर अभी? जब्ती में 3 पुलिस द्वारा कल किए गए थे, एक आज हमको उस जगह पे छानबीन करी तो एक आज हमें भी मिला है। और आगे सर इसकी ओर से इसकी जाँच अब पुलिस द्वारा की जा रही है, पलसूद पुलिस द्वारा, क्योंकि ये कोई फल वाला है जंगल का मामला नहीं है, ये विस्फोटक वाला मामला है, तो इसमें पुलिस इसकी जांच करेगी। भैया आपका नाम? शांतिलाल। कहाँ के रहने वाले? फुलजीवारी रहने वाला हूँ, उमेदड़ा घाट पे का ही वो है, लकड़ी काटने जा रहा। आपके साथ घटना? मैं लकड़ी काटने जा रहा था, वहाँ लकड़ी काटा, उसके बाद लकड़ी खींच के लाया मैंने, लकड़ी खींच के लाया ना अचानक वो क्या है ना क्या ना फूट गया तो मेरे हाथ में लग गया, एक उंगली और अंगूठा टूट गया। तो क्या बम था कि क्या था वो? बम था कि क्या था मेरे को पता नहीं है, वो तो भाग गया था मैं बाद में भाग गया। भागने के बाद मेरे शांति आ गए ना तो वापस उठ के आए के देखा तो वह 3 हिला, वो गुलर जैसा है और वो बम ही है, इसमें क्या है? फल जैसा भी नहीं है, छोटा छोटा है, इसमें क्या फल का तो मुँह आता, इसका मुँह भी नहीं है। मतलब ये झाड़ पे से नहीं गिरा? मतलब नहीं ना, वो झाड़ पे नहीं गिरा है, वो नीचे तो जमीन पे होता है। कहाँ पर लगा आपको? मेरे हाथ पे लगा है। तो आपने पहले 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 किसको बताया जैसा ये पूरा घटनाक्रम हुआ? ये पहले होते फोन करी मैं घर पे, तो वो घर पे आया ना, बाद में वो कोई एम्बुलेंस के फोन कर जाती, वो पुलिस वाला ने आ गया था, और जितना मालूम है मेरे को ज्यादा। कोई वन विभाग के और ये कर्मचारी आए थे जांच करने? अरे फॉरेस्ट वाले आए थे? नहीं आए थे? आया था ना पुलिस वाला, आया था। क्या पूछा उन्होंने? वो भी ये पूछा था क्या हो गया क्या नहीं, तो मैं बोल दिया कि ये यहाँ ये फूट गया। तो वो जो फल जो आप बता रहे हैं या जो फूटा बम या जो बता रहे हैं, तो वो झाड़ के नीचे था कि कहीं मैदान में था वो? नहीं ना, वो जो बगीचा झाड़ तो है, वो बारीक बारीक झाड़ है ना लकड़ी, तो वो अंदर रखे हिला। अंदर रखेला था? मतलब रखेला क्या क्या मालूम, पर अंदर हिला, मतलब झाड़ से नहीं गिरा? हाँ झाड़ से नहीं गिरा, मतलब फल नहीं, बमी हुआ? हाँ बमी है वो।